विद्यालय परिसर में बन रही है ताड़ी। एचएम की लापरवाही के कारण विद्यालय में अनियमितता का लगा अंबार। चनपटिया प्रखंड के घोंगा बाजार बुनियादी विद्यालय परिसर में विद्यालय के एचएम के द्वारा ताड़ी बनाई जा रही है तथा ताड़ी के छिलके उतार कर बच्चों के लिए खाना बनवाया जा रहा है। विद्यालय में हो रही अनियमितता से परेशान होकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विद्यालय में पहुंचकर प्रधानाध्यापक सुरेश को बैठा कर जमकर फटकार लगाई। चनपटिया जिला पार्षद अशोक कुशवाहा ने बताया कि घोंगा बुनियादी विद्यालय के एचएम अपनी मनमानी कर रहे हैं। लगभग एक साल से लकड़ी पर खाना बनवा रहे हैं। कई बार समझाने के बाद भी एचएम नहीं मान रहे हैं। इनकी शिकायत लिखित रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी से करेंगे। यहाँ पे लकड़ी पर खाना बनता है, गैस चूल्हा पर नहीं बनता है। यहाँ खजूर के दाल के पत्ता को काट कर खाना बन रहा है अभी तत्काल में। कितना दिन से गैस? लगभग एक साल से गैस में खाना नहीं बनता है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र कुमार, अध्यक्ष है। जी हाँ, समस्या यहाँ पे काफी जटिल है। सबसे पहले चीज जो है, जो एचएम है उनको जो है कई बार जो है समझाने के बावजूद भी कई बार प्रयास किए, हम विनम्र विनती भी किए उनके साथ में कि आप जो है सबसे पहले गैस की सुविधा उपलब्ध करवाइए, लेकिन गैस की उपलब्ध व्यवस्था नहीं करवा करके उन्होंने जो है सो आप थोड़ा सा साइड में दिखा सकते हैं, ताड़ का पेड़ है और पता नहीं किसी को पैसा दे करके छवाने का काम किया है, क्या किया है ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्रांगण में जितने भी खजूर का पेड़ है सारे पेड़ से जो है सो पत्ता निकलवा करके और खाना जो बनवा रहे हैं आप देख सकते हैं, ये जो ताड़ के जो है सो डाली है और ये उसका जो है सो छिला हुआ जो है सो पंच है उससे जो है सो खाना बनवा रहे हैं। ये स्थिति